यूपी में दलितों की मसीहा कही जाने वाली बहुजन समाज पार्टी अध्यक्ष और चार बार की मुख्यमंत्री मायावती को अब उनके ही समर्थक ढूंढ रहे हैं कि उनकी राजनीति करने वाली बहन जी आखिर कहां खो गई है और बसपा की राजनीतिक रणनीति उनके समर्थकों को समझ नहीं आ रही है। लगातार उन पर आरोप विपक्ष क्यों लगाता है कि वो भाजपा की एजेंट यानी कि बी पार्टी के रूप में काम कर रही है। ऐसे में सवाल उठता है कि क्या बसपा यूपी में खोए खुद के वर्चस्व को वापस ला पाएगी। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। मायावती का क्यों गिर रहा है आई दिन ग्राफ। बसपा सुप्रीमो की चुनावी रणनीति क्यों हो रही है फेल। आखिर क्यों एक विधायक पर सिमटी बसपा। क्यों लगातार बसपा नेता छोड़ रहे हैं उनकी पासी। क्यों बना रही है मायावती अपने समर्थकों से दूर। क्या है बसपा सुप्रीमो की चुनावी स्ट्रेटजी। उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव की अगर बात करें तो 1993 में 67 विधायकों को जीतकर अपनी सरकार बनाने वाली बसपा सुप्रीमो मायावती आजकल ट्विटर से बाहर नहीं निकल रही है और उनकी पार्टी लगातार कमजोर होती जा रही है। कमजोर इतनी कि वर्ष 2022 में वो सिर्फ एक विधायक पर आकर सिमट गई। वर्ष 1993 में बसपा के 67 सीटें थी। बसपा के लिए बड़ी जीत थी। इन आंकड़ों ने हर किसी को चौंका दिया था। मुलायम सिंह यादव और कांशीराम ने हाथ मिला लिया। मुलायम सिंह यादव मुख्यमंत्री बने। हालांकि दोनों दलों के बीच मनमुटाव शुरू हुआ और महज एक साल 181 दिन तक मुख्यमंत्री रहने के बाद मुलायम सिंह की सरकार गिर गई। 3 जून 1995 को मायावती यूपी की मुख्यमंत्री बनी और वह महज 18 अक्टूबर 1995 तक 137 दिनों तक सीएम रही। राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा। 1996 में बीएसपी ने 296 सीटों पर प्रत्याशी उतारे जिनमें से केवल 67 सीटों पर ही उम्मीदवार जीते। बसपा का वोट प्रतिशत 19.64 रहा। 2000 में यूपी की 401 विधानसभा सीटों पर बसपा बढ़ी। इनमें से 98 विधायक जीते। वोट प्रतिशत 23.06 रहा। 2007 में बंपर जीत के साथ मायावती 403 में से 206 विधायक जीते और पार्टी को 23.43% वोट मिले। 2012 में बसपा को 403 सीटों में से महज 80 सीटों पर ही जीत मिली। 2017 में मिली करारी हार। 2017 में 403 सीटों वाली विधानसभा में 19 सीटों के साथ तीसरा स्थान मिला था। वहीं भाजपा को 300 से अधिक सीट पर जीत मिली थी और चुनाव 2022 में 403 विधानसभा में से ये एक विधायक उमाशंकर की बलिया की रसाड़ा से ही जीत पाई। इसमें 2014 जब देश के प्रधानमंत्री मोदी बने और यूपी में योगी आदित्यनाथ ने 2017 में पहली बार मुख्यमंत्री पद की शपथ ली तब से बसपा ने अपने समर्थकों से दूरी बना ली है। कह सकते हैं कि इनके समर्थक इनसे दूर हो गए और अब इनकी राजनीति इनके ही समर्थकों को समझ नहीं आ रही है। ऐसे में यूपी के विपक्षी राजनीतिक दल क्या कहते हैं आपको सुनवाते हैं। उनके ऊपर उनके लोग आरोप लगा रहे थे। उनका एक सहयोगी ओम प्रकाश राजभर इसीलिए छोड़ के भाग गया कि वो एसी से बाहर नहीं निकल रहे हैं। वो लगातार ट्वीट करके जनता के साथ चीट कर रहे थे। उनका भाई लड़ रहा था आजमगढ़ से, चुनाव में नहीं गए, रामपुर हार गए। अब वो अपने को क्रांतिकारी बन रहे हैं। मेरा ये मानना है दोनों ट्वीट कर रहे हैं, दोनों जनता के साथ चीट कर रहे हैं, इसलिए जनता हमारे साथ न्याय कर रही है। लगातार जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में बहन मायावती जी भारतीय जनता पार्टी की बी टीम के रूप में जो काम कर रही है, आलिशान बंगले से निकल ही नहीं पा रही। उत्तर प्रदेश में तमाम दलितों पर अत्याचार हो मगर बहन मायावती जी की आवाज सिर्फ ट्वीट तक सीमित हो गई है। कांग्रेस को तमाम बार हमने अपने हमारे आरोप सिद्ध होते हैं कि बहन मायावती जी भारतीय जनता पार्टी के लिए काम कर रही है और यही कारण है कि वो आलिशान बंगले से बाहर नहीं निकली। नहीं कह सकते हैं, पर जो आदमी खुले ढंग से नहीं कोई बात कह रहा हो उसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन बीएसपी बीजेपी के साथ साथ गांठ करके ही इलेक्शन को प्रभावित कर रही है। तो पहले बहन मायावती जी का हम सम्मान करते हैं, उन्होंने संघर्ष किया है और बहुजन का काफी विकास भी हुआ उनके द्वारा। परंतु इस कई चुनाव में देखने को आया है
कि बहन मायावती जी को जिस तरह से बहुजन के लिए संघर्ष करना चाहिए वो नहीं कर पा रही, और सपा के अतिरिक्त ही समाज के लोग भी इस बात को मान रहे हैं। 20 साल हो गए, इस समयावधि में बहुजन समाज पार्टी 4 बार सत्ता में रही और 2007 से लेकर 2012 तक वह पूर्ण मेजॉरिटी में अपने को स्थापित की, लेकिन उसके बाद लगातार उसका ग्राफ गिरता जा रहा है, उसका जो अपना कोर वोटर है वह भी उससे कटता जा रहा है। एक वक्त माना जाता था कि दलित वोट बैंक पर बहुजन समाज पार्टी का यानी मायावती का पकड़ है, लेकिन आज की तारीख में देखा जा रहा है कि उसका दलित वोट बैंक जो है विशेष रूप से जो गैर जाटों हैं उसे खिसकते जा रहे हैं। तो आपने सुना इन्होंने क्या कहा, राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो बीजेपी के प्रति मायावती का सॉफ्ट कॉर्नर उनकी पार्टी के नेताओं को भा नहीं रहा है। मुस्लिम नेता इसलिए बसपा छोड़ रही है, इसके अलावा वे अपने नेताओं और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद नहीं करते, उनसे दूरी बनाकर रखती है। कहा जाता है कि वे अपने करीबियों का भी साथ छोड़ देती है। इसके लिए नसीमुद्दीन सिद्दीकी और बाबू सिंह कुशवाहा, स्वामी प्रसाद मौर्य का उदाहरण दिया जाता है, जिन्होंने मायावती का दाया और बाया हाथ कहा जाता था। मुसीबत में मायावती ने उनसे पल्ला झाड़ दिया और शायद यही कारण है कि अब उनके पास कोई बड़ा चेहरा या नेता नहीं बचा है जो जनता और सदन में उनका पक्ष रख सके। और सड़क पर राजनीति करने वाली मायावती अब ट्विटर वाली राजनीति से बाहर नहीं निकल रही है, और ऐसे में सवाल उठता है कि क्या ऐसे हो पाएगी यूपी की राजनीति, क्या फिर से हाथी की सवारी से यूपी में वापसी कर पाएंगी मायावती, या फिर कुछ सीटों से ही संतुष्टि इस बार भी करनी पड़ेगी। बहुजन समाज पार्टी की अगर बात करें तो 2007 के बाद लगातार बीएसपी सुप्रीमो मायावती का ग्राफ लगातार गिरता चला रहा है। 2007, 2012, 2017 और 2022 जो पार्टी कभी 18वीं सीट पे हुआ करती थी वो सिमट कर एक पर आ गई है। ऐसे में कयास ये लगाया जा रहा है उत्तर प्रदेश में होने वाले लोकसभा चुनाव और स्थानीय निकाय चुनाव में बसपा की राजनीति क्या होगी, क्या भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रही है बीएसपी, ये प्रश्न लगातार उठता चला आ रहा है, और क्या अपने राजनीतिक फायदे के लिए एक विधायक के दम पर उत्तर प्रदेश की राजनीति करेंगी मायावती, क्या ट्विटर से बाहर निकल के आएंगी मायावती, ये वो सवालात हैं जो बार बार राजनीति में बसपा सुप्रीमो के चाहने वाले या ये कह सकते हैं कि बहुजन समाज पार्टी के समर्थक अपने आप से पूछ रहे हैं। ऐसे में सियासत किस ओर जा रही है बहुजन समाज पार्टी की, ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि आखिर बहुजन समाज पार्टी की सियासत का अगला पायदान क्या होगा, और आने वाले समय में क्या बहुजन समाज पार्टी 1 से 11 और 111 हो पाएगी या नहीं। कैमरामैन रोहित के साथ शशांक श्रीवास्तव, MKN न्यूज, लखनऊ।